सो हमारे लास्ट वीडियोस में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की, और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक डायपोल इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की। सो हाई ऑल, दिस नरवान बवार, एंड टुडे इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जानेंगे इस वीडियो में कैसे एक इलेक्ट्रिक डायपोल बिहेव करेगा जब कभी उसको नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए, और साथ ही साथ उसके ऊपर आने वाला नेट फोर्स कितना होगा। सो वॉच द वीडियो टिल एंड एंड यू विल नो इट ऑल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। लेकिन बिफोर आई गेट स्टार्टेड, अगर आप मेरे वीडियोज़ रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं लेकिन अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सो प्लीज़ गो हैड एंड डू दैट, बिकॉज चैनल सब्सक्राइब करने से आप लोगों को मेरे आने वाले सभी लेटेस्ट वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। साथ ही साथ आपके होम पेज पर जो भी रिसेंटली अपलोडेड वीडियो है वो पॉपअप करता रहेगा, एंड दैट वे यू वॉन्ट मिस एनी ऑफ द इंपॉर्टेंट वीडियोज़। बहुत सारे प्लान्स हैं जहाँ पर हम लोग आने वाले समय में PYQ सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं फॉर नीट, फॉर JEE, है ना, और इसके साथ ही साथ बहुत सारे स्ट्रैटेजी वीडियोस भी हम इस चैनल पे आप लोगों के लिए प्लान आउट कर रहे हैं। तो इसीलिए मिस आउट मत करना कोई भी वीडियो को, और अगर मिस नहीं करना चाहते किसी भी वीडियो को तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, है ना। साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर देना, इससे वीडियो और ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाएगा। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट फोर्स ऑन डायपोल ड्यू टू एनी नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब जब कभी मैं किसी भी नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी इलेक्ट्रिक डायपोल को रखता हूँ तो उसके वजह से उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है ये मैं देखूंगा, है ना। तो जैसा कि हमने पिछले कुछ वीडियोज़ में बात की है कि जब कभी मैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी डायपोल को रखता हूँ तो उसके ऊपर एक्ट करने वाला नेट फोर्स जो होता है वो जीरो होता है ना। क्यों? क्योंकि दो इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेज दोनों एंड्स ऑफ द डायपोल पर एक्ट कर रहे होते हैं, और इसीलिए जो नेट फोर्स है वो जीरो हो जाता है। अब टॉर्क जीरो कभी कभी होता भी है, कभी कभी नहीं भी होता है, लेकिन दैट इज़ टोटली डिफरेंट क्वेश्चन। लेकिन फिलहाल यहाँ पर समझने वाली बात सिर्फ और सिर्फ नेट फोर्स की है। तो जब कभी मैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी इलेक्ट्रिक डायपोल को रखता हूँ उस केस में उसके ऊपर एक्ट करने वाला नेट फोर्स जो है वो जीरो हो जाता है। लेकिन यहाँ पर अगर मैं नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखूँगा किसी भी इलेक्ट्रिक डायपोल को, तो डेफिनेटली दोनों जो चार्जेस है, दोनों जो एंड्स है डायपोल के, उस पर एक्ट करने वाले फोर्सेज जो है वो अनइक्वल होंगे, एंड दैट इज़ द रीज़न कि यहाँ पर नेट फोर्स मेरा जीरो नहीं होगा, है ना। तो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अगर ये नेट फोर्स जीरो नहीं है तो ये एक्चुअल में है कितना, है ना। तो सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। जैसा मैंने यहाँ पे बोल रखा है फोर्स ऑन डायपोल ड्यू टू एनी नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो मान लेते हैं कि यहाँ पे मेरे पास एक इस तरीके से मैंने एक्सिस बना ली, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ठीक है, और ये है मेरा ओरिजिन। अब यहाँ पर मैं एक डायपोल रख रहा हूँ एक्सिस पे, मान लेते हैं कि यहाँ पे इस एक्सिस पे एक डायपोल रखा हुआ है, तो मैं इसको माइनस चार्ज यहाँ पर बनाता हूँ, यहाँ पर एक प्लस चार्ज बनाता हूँ, एंड दिस बिकम्स माय डायपोल, ठीक है। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में नेगेटिव चार्ज है, राइट साइड में पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। अब ये जो मेरे पास डायपोल है, इस डायपोल का डायपोल मोमेंट किस डायरेक्शन में होगा, ऑफकोर्स नेगेटिव से पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो ये मेरा डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन हो गया, कूल। अब इस चीज़ को ध्यान से देखो कि मान लेते हैं यहाँ पर एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करती है, तो ये जो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर एग्जिस्ट करती है उसको मैं कुछ इस तरीके से शो कर देता हूँ कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये अलॉन्ग एक्स एक्सिस एक्ट कर रही है। हाउएवर ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये यूनिफॉर्म नहीं है, ये नॉन यूनिफॉर्म है, और अगर ये नॉन यूनिफॉर्म है तो मैं बोल सकता हूँ कि जो मेरा पहला चार्ज है यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड E1 होगी, और वहीं पर सेकेंड जो पॉइंट है वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड E2 होगी। तो बेसिकली दोनों पॉइंट्स पे एक्ट करने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उनकी वैल्यूज़ अलग अलग होगी, वो सेम नहीं होगी, एंड डेफिनेटली दैट डज मेक सेंस एज वेल, क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ही नॉन यूनिफॉर्म है तो मुझे नहीं पता, मैं ये बिल्कुल नहीं बोल सकता कि दोनों पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसकी वैल्यू सेम आएगी, ठीक है। चलो, नाउ हैविंग अंडरस्टूड दिस, एक और छोटी सी चीज़ जो मैं यहाँ पे करना चाहूँगा वो ये कि ये जो डायपोल है इसका डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन मैं आर मान लूँगा, ठीक है। और जैसा कि हम हर बार कंसिडर करते हैं कि हमारा डायपोल जो है उसका साइज़ बहुत 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 छोटा होता है एज़ कम्पेयर टू जो भी हम जिस पॉइंट के भी रेस्पेक्ट में हम इस चीज़ की बात कर रहे हैं, तो अगर मैं r डिस्टेंस पर डायपोल को रख रहा हूँ फ्रॉम दी ओरिजिन तो मैं इस डायपोल के टोटल लेंथ को dr मान लेता हूँ, है ना। मतलब ये जो छोटा सा डिस्टेंस है, मतलब कम्पेयर टू r, ये जो डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस है काफ़ी छोटा है, जिसको मैंने dr मान लिया, ठीक है। नाउ हैविंग अंडरस्टूड दिस डायग्राम, अगर आपको ये सिचुएशन और ये सिनारियो समझ में आ चुका है तो लेट अस ट्राई टू स्टार्ट सॉल्विंग इट, एंड लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अब नेट फोर्स इस डायपोल पर कितना आने वाला है ड्यू टू दिस नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पर देखो मैं क्या करता हूँ, मैं लिख रहा हूँ नेट फोर्स का इक्वेशन। अब एक छोटी सी चीज़ मुझे बताना कि जब कभी मैं फोर्स की बात करता हूँ तो फोर्स एक्टिंग ऑन एनी चार्ज इज गिवन बाय वॉट, इट इज़ गिवन बाई चार्ज मल्टीप्लाइड बाई इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। तो Q into E से मुझे नेट फोर्स मिल जाता है। तो यहाँ पर
पहला जो चार्ज है ना, देखो यहाँ पे डाइपोल है तो ये एक चार्ज जो है ये क्यों होगा, दूसरा भी चार्ज क्यों होगा, बस ये पॉजिटिव क्यों है और ये नेगेटिव क्यों है ना, यही डिफरेंस है। सिर्फ दोनों का नेचर अलग अलग है, लेकिन सिंस इट इज़ अ डाइपोल ये दोनों इक्वल चार्जेस होंगे इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड। तो जब कभी मैं इनके ऊपर ऐड करने वाले फोर्स की बात करता हूँ तो जो नेगेटिव चार्ज है उसके ऊपर जो फोर्स ऐड करेगा दैट विल बी क्यू इंटू ई, लेकिन कौन सा ई, ई वन आएगा है ना, तो क्यू इंटू ई वन विल बी द फोर्स एक्टिंग ऑन फर्स्ट चार्ज, सेकेंड चार्ज पे जितना फोर्स आएगा दैट विल बी क्यू इंटू ई टू है ना। तो जब कभी मैं नेट फोर्स की बात करूँगा तो आई कैन राइट फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज माइनस फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज विच इज़ नथिंग बट क्यू इंटू ई टू माइनस क्यू इंटू ई वन है ना। मैं सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की फिलहाल बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर किसी की भी चार्ज के नेचर की बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ है ना। और इसीलिए सिंस मुझे पता है कि दोनों जो फोर्सेस हैं इनका डायरेक्शन ऑपोजिट होगा बिकॉज चार्जेस का नेचर ही अलग है, तो मैं मैग्नीट्यूड वाइज क्यू इंटू ई दोनों के लिए लिख रहा हूँ, लेकिन सिंस दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट है इसलिए एक का फोर्स माइनस दूसरे का फोर्स इस तरीके से लिख रहा हूँ है ना, क्योंकि दोनों फोर्सेस सब्ट्रैक्ट होंगे बिकॉज दे आर डायरेक्टेड इन ऑपोजिट डायरेक्शन। यहाँ से मैं Q को कॉमन निकाल सकता हूँ एंड आई विल गेट E2 माइनस E1, करेक्ट। अभी E2 माइनस E1 जो है ये क्या है, दिस इज बेसिकली द डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक फील्ड, द डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक फील्ड दैट आई सी बिटवीन पॉइंट वन एंड पॉइंट टू या चार्ज वन एंड चार्ज टू। तो चार्ज वन वाले पॉइंट पे जितने इलेक्ट्रिक फील्ड है और चार्ज टू वाले पॉइंट पे जितने इलेक्ट्रिक फील्ड है, इन दोनों पॉइंट्स के इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर मैं डिफरेंस देखूँ तो दैट इज़ बेसिकली E2 माइनस E1। और इसी चीज़ को लिखने का एक तरीका मेरे पास है जिसको मैं लिखता हूँ DE है ना। DE इज़ नथिंग बट स्मॉल डिफरेंस और स्मॉल चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब डेफिनेटली अगर डायपोल का साइज ही बहुत छोटा है तो इन दो पॉइंट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड में बहुत ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं होगा, बहुत छोटा सा डिफरेंस होगा, लेकिन डेफिनेटली डिफरेंस होगा क्योंकि ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होती तो दोनों पॉइंट्स पे जो एक्ट करने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सेम होती, सही है। तो मैंने दोनों पॉइंट्स के बीच के इलेक्ट्रिक फील्ड के डिफरेंस को DE से रिप्रेजेंट कर दिया। नाउ बहुत ही सिंपल सी एक चीज़ मैं यहाँ पे करने वाला हूँ कि मैं इस एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दूंगा DR से। सर आपने ये क्यों किया, ये मैंने इसलिए किया ताकि मैं डायपोल मोमेंट को इंट्रोड्यूस कर सकूँ इस इक्वेशन में है ना। तो अगर मैं इस इक्वेशन में डायपोल मोमेंट के एक्सप्रेशन को इंट्रोड्यूस करना चाहूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, डायपोल मोमेंट इज़ नथिंग बट आइदर ऑफ द चार्ज मल्टीप्लाइड बाय सेपरेशन डिस्टेंस है ना। तो आइदर ऑफ द चार्ज क्यू तो मेरे पास इस एक्सप्रेशन में था क्यू इंटू DE में, लेकिन जो इनके बीच का सेपरेशन था जिसको मैंने DR कंसिडर कर रखा था वो यहाँ पर मेरे पास नहीं था। तो मैंने क्या किया, DR से मल्टीप्लाई किया, और अगर DR से मल्टीप्लाई किया है तो मुझे DR से डिवाइड भी करना पड़ेगा। नाउ इफ़ यू सी Q into DR मिलके क्या बन जाएगा, डायपोल मोमेंट दैट इज़ P। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ P और ये हो जाएगा DE अपॉन DR है ना। तो ये बन जाएगा मेरा एक्सप्रेशन फॉर नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल प्लेस्ड इनसाइड नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आज के बाद कभी भी अगर आप किसी भी डायपोल को देखते हो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ तो उसके ऊपर एक्ट करने वाले नेट फोर्स को फाइंड आउट करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ उस डायपोल के डायपोल मोमेंट को मल्टीप्लाई कर देना है DE अपॉन DR से है ना। और DE अपॉन DR क्या है, इसका मीनिंग ही है कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफरेंशिएट कर देना है विद रिस्पेक्ट टू R, और जैसे ही आपने ये चीज़ कर दी आपका आंसर डायरेक्टली आपके सामने आ जाएगा, सही है क्या। सो आई होप ये सिचुएशन, ये क्वेश्चन, ये सिनारियो आपको समझ में आया होगा। हमने किया क्या है, हमने सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रिक डायपोल को एक इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कर दिया है जो कि नॉन यूनिफॉर्म नेचर की है, और बिकॉज ऑफ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड डेफिनेटली इसके ऊपर एक्ट करने वाला नेट फोर्स जो है वो जीरो नहीं होगा, वो कुछ नॉन जीरो वैल्यू होगी, और उस नॉन जीरो वैल्यू को मैंने यहाँ पर फाइंड आउट किया, करेक्ट है क्या। सो आई होप ये नेट फोर्स कैसे हमने कैलकुलेट किया ये आपको समझ में आ गया होगा। नाउ हैविंग अंडरस्टूड दिस लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हम इसको एक्चुअल में अप्लाई कैसे करेंगे है ना। तो इसका एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि फोर्स ऑन डायपोल ड्यू टू अ चार्ज केप्ट एट एक्सियल पॉइंट। तो मान लेते हैं मेरे पास एक डायपोल रखा हुआ है ना, एक डायपोल रखा हुआ है, ये माइनस क्यू चार्ज और ये प्लस क्यू चार्ज, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ये माइनस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है, और इस पर्टिकुलर डायपोल में इस डायपोल की लेंथ को अगर मैं 12 मान लूँ है ना, जो कि हर बार हम मानते हैं, यहाँ पर मैं एक चार्ज रख रहा हूँ प्लस क्यू, प्लस कैपिटल क्यू है ना, और इस चार्ज से आर डिस्टेंस पर ये डायपोल एग्जिस्ट करता है ना। तो ये डायपोल के सेंटर से आर डिस्टेंस पे एक चार्ज जो है कैपिटल क्यू वो रखा हुआ है। मैं चाहता हूँ कि इस पर्टिकुलर डायपोल पे कितना फोर्स एक्ट होगा ये मुझे पता करना है। अब यहाँ पे बहुत सिंपल सी चीज़ है कि अगर आप प्लस क्यू चार्ज को देखो तो उसके वजह से उसके अराउंड एक इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज क्या होता है, इट इज़ के क्यू अ
अपॉन आर स्क्वायर। अब के क्यू अपॉन आर स्क्वायर में जैसे जैसे आपका आर चेंज होगा वैसे वैसे आपकी वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगी। तो बेसिकली एक पॉइंट चार्ज के अराउंड जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है दैट इज़ अ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, बिकॉज उसकी वैल्यू कॉन्स्टेंट नहीं होती, विथ डिस्टेंस वो डिक्रीज होते चले जाती है। करेक्ट है क्या? तो जैसे ही मैं प्लस पॉजिटिव क्यू चार्ज जो है वो डाइपोल के बाजू में रखूंगा तो इस पॉजिटिव चार्ज के वजह से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी दैट विल बी ऑफ नॉन यूनिफॉर्म नेचर, और उस नॉन यूनिफॉर्म नेचर की इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने एक डाइपोल को ला के रख दिया है एंड आई एम इंटरेस्टेड, आई एम कीन टू फाइंड आउट कि इस डाइपोल के ऊपर कितना नेट फोर्स एक्ट करेगा बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर चार्ज, है ना। तो अगेन सेम सिनारियो है, हम लोगों ने इसका डेरिवेशन ऑलरेडी लास्ट स्लाइड पे कर लिया है ना। तो मैंने आपको बताया जब कभी आपके पास इस तरीके का सिनारियो हो आप क्या करोगे, आप सीधा सीधा नेट फोर्स का एक्सप्रेशन लिख दोगे, क्या, डायपोल मोमेंट मल्टीप्लाइड बाय डी ई अपॉन डी आर। करेक्ट है। तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफरेंशिएट कर देना है विथ रिस्पेक्ट टू आर और उसको मल्टीप्लाई कर देना है डायपोल मोमेंट से, एंड दैट वे यू विल हैव द वैल्यू ऑफ नेट फोर्स। ठीक है, चलो तो डायपोल मोमेंट को तो पी रखते हैं बिकॉज यहाँ पर मैं अभी वाले हमारे डायपोल मोमेंट का हमारे वाले डायपोल मोमेंट को यहाँ पर मैं पी कंसिडर कर रहा हूँ, तो पी ही रहेगा। यहाँ पर आई राइट डी अपॉन डी आर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड किसके वजह से, बिकॉज ऑफ पॉइंट चार्ज प्लस क्यू, तो उसके वजह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड आने वाली है, दैट विल बी के कैपिटल क्यू अपॉन आर का स्क्वायर। करेक्ट। अब यहाँ पर क्या होगा, के और क्यू जो है ये कॉन्स्टेंट्स हैं, इनको मैं बाहर निकाल सकता हूँ, तो व्हाट आई विल गेट, आई विल गेट पी के क्यू, एंड ये जो वन अपॉन आर स्क्वायर है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, आई कैन राइट डी बाई डी आर ऑफ आर का पावर माइनस टू, है ना। आर के पावर माइनस टू का डिफरेंशिएशन कितना होगा, मैं यहाँ पे पी के क्यू को एज इट इज़ लिख रहा हूँ, जो पावर में है वो सामने आ जाएगा, है ना, और जो पावर में था आई एल राइट आर, जो पावर में था उसमें माइनस वन करना है तो ये हो जाएगा आर का पावर माइनस थ्री। करेक्ट है। तो मेरा एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, टू के पी क्यू डिवाइडेड बाय आर का क्यूब, है ना, एंड दिस विल बी द नेट फोर्स दैट द डाइपोल विल एक्सपीरियंस बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ पॉइंट चार्ज कैपिटल क्यू एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम द डाइपोल, है ना। तो अगर एक डाइपोल मेरे पास है उस डाइपोल से आर डिस्टेंस पे जाके मैं एक पॉइंट चार्ज रख देता हूँ जिसका मैग्नीट्यूड कैपिटल क्यू है, तो उसके वजह से इस डाइपोल के ऊपर एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऐड करेगी और उसके एज ए रिजल्ट आपको एक नेट फोर्स मिलने वाला है जिसकी वैल्यू आपको मिलेगी टू के पी क्यू डिवाइडेड बाई आर का क्यू। सही है क्या? सो दिस इज़ हाउ यू फाइंड आउट नेट फोर्स एक्टिंग ऑन एनी डाइपोल जब कभी आप उसको किसी भी नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हो, है ना। एक और छोटा सा एग्जांपल इसी चीज़ पे सॉल्व करेंगे एंड विद दैट आई विल रैप अप द वीडियो। तो इस एग्जांपल में मैं फाइंड आउट करना चाह रहा हूँ फोर्स ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। सो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं एक इनफाइनाइटली लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर यहाँ पे कंसिडर करूँगा। ठीक है, तो ये मेरे पास एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर हो गया जिससे मान लेते हैं एक्स डिस्टेंस पे, है ना, जिससे एक्स डिस्टेंस पे मैं एक डायपोल को प्लेस करूँ। तो मेरा डायपोल कैसा रखा जाएगा, डायपोल कुछ इस तरीके से रखा जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, इस तरीके का डायपोल है, माइनस क्यू यहाँ पे चार्ज है, प्लस क्यू यहाँ पर चार्ज है, इन दोनों के बीच का सेपरेशन 2L है। ठीक है, और डेफिनेटली नेगेटिव से पॉजिटिव साइड में मेरा ये डायपोल मोमेंट आ जाएगा। अब इस डायग्राम को ध्यान से देखना, यहाँ पर मैंने एक यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट वायर से एक्स डिस्टेंस पे एक डायपोल रख दिया है, है ना, जिस डायपोल का चार्ज जो है आइदर चार्जेस वो क्यू है और उसका जो सेपरेशन है वो 12 डिस्टेंस का है जो कि मेरा नॉर्मल डायपोल जैसा दिखता है, है ना। अच्छा, इस यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का हमारा एक्सप्रेशन क्या होता था इस केस के लिए, इसके लिए होता था 2k लैम्डा अपॉन एक्स। करेक्ट है क्या? तो x डिस्टेंस पे अगर यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर मेरे पास है तो उससे x डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी दैट विल बी 2k लैम्डा अपॉन x। अब इसमें जो न्यूमरेटर पार्ट है 2k लैम्डा ये तो कांस्टेंट है, लेकिन जैसे जैसे x की वैल्यू चेंज होगी वैसे वैसे मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चेंज होगी। तो डेफिनेटली इस वायर की वजह से इसके अराउंड जो एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होने वाली है दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ नॉट अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इंस्टेड इट इज़ अ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो अगेन मैं उसमें जैसे ही किसी डायपोल को रखूँगा तो उसके ऊपर एक नेट फोर्स एक्ट करना स्टार्ट करेगा, और वो नेट फोर्स कितना होगा यही मुझे यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो जो मेरा नेट फोर्स का एक्सप्रेशन था जो अभी अभी हमने पिछले दो स्लाइड्स में भी देखा, इट इज पी इंटू डी ई अपॉन डी एक्स, है ना। तो मुझे करना क्या है, मुझे डायपोल मोमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर देना है किसको, डिफरेंशिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो यहाँ पे डायपोल मोमेंट को मैं पी का पी ही रखूँगा और आई विल राइट डी बाई डी एक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन क्या है, 2k लैम्डा अपॉन एक्स,
करेक्ट है। अब देखो आप बोल सकते हो कि सर पी इंटू डी अपॉन डी आर था, है ना, तो नीचे जो भी होता है वो आपका डिस्टेंस वाला वेरिएबल है। अगर आप आर डिस्टेंस ले रहे हो तो आर वेरिएबल रखोगे, एक्स डिस्टेंस ले रहे हो तो एक्स वेरिएबल रखोगे। दैट इज मतलब कोई बहुत कन्फ्यूजन वाली चीज़ नहीं है, सिंपल सिंपल सी चीज़ है। पिछले सभी क्वेश्चंस में हमने डिस्टेंस को आर लिया था इसलिए पी इंटू डी अपॉन डी आर लिखा था, यहाँ पर मैं डिस्टेंस को एक्स ले रहा हूँ इसलिए मैं पी इंटू डी अपॉन डी एक्स लिख रहा हूँ, ठीक है। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। चलो अब यहाँ पे 2k लैम्डा जैसा कि मैंने बोला कांस्टेंट है, तो पी 2k लैम्डा ये सब कुछ तो बाहर आ जाएगा बिकॉज दिस इज़ अ कांस्टेंट। और 1 बाय एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 1 बाय एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 बाय एक्स स्क्वायर, करेक्ट है। माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर जैसे ही मुझे यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन मिल गया तो मेरा नेट फोर्स का एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, मेरा नेट फोर्स का एक्सप्रेशन बन जाएगा माइनस 2k पी लैम्डा डिवाइडेड बाय एक्स का स्क्वायर, है ना। And this will become my net force which will act on this dipole because of uniformly charged infinitely long wire. सही है क्या? सो आई होप हमने जो भी यहाँ पे पहले हमने सबसे पहले स्लाइड में जो हमने डेरिवेशन देखा है ना, मैं आपको एक बार क्विकली रिविजिट करवा देता हूँ। यहाँ पर हमने डेरिवेशन देखा कि किस तरीके से नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने के बाद एक इलेक्ट्रिक डायपोल के ऊपर कुछ नेट फोर्स आता है, उसका एक्सप्रेशन क्या होगा वो हमने यहाँ पे डेराइव किया। और उसके बाद हमने दो एग्जांपल्स में इसको अप्लाई किया, पहला जहाँ पर हम एक इलेक्ट्रिक डायपोल के एक्चुअल पॉइंट पर एक पॉइंट चार्ज रख देते हैं, उसकी वजह से कैसे हम नेट फोर्स कैलकुलेट करेंगे। साथ ही साथ फिर मैंने एक और एक्सप्रेशन आपको सॉल्व करके दिखाया जहाँ पर हम एक यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनेटली लॉन्ग वायर की इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक डायपोल को रख रहे हैं और उस डायपोल के ऊपर कितना फोर्स आ रहा है ये कैलकुलेट कर रहे हैं, है ना। तो आई होप आज के वीडियो में डिस्कस की गई ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। अगर ये वीडियो आपने यहाँ तक देख लिया और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड आई विल सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बी हैप्पी, बी सेफ, टेक केयर, बाय बाय।